हेलो, गुड म�morning दोस्तों। 1 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल आया है वह है एलिनो को लेके, तो इससे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहले हम जानेंगे कि एलिनो बनता क्यों है। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। इसके बाद हम एलिनो को डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो बेसिकली जो एलिनो का इफेक्ट है वो पैसिफिक ओशियन में राइज है वो होता है, तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से कवर है वो करते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब पश्चिमी जो हिस्सा है, बेसिकली यहाँ पे ठंडी जल धारा बहती है, या फिर से हम बोल सकते हैं कोल्ड वाटर फ्लो करता है। और इस वाला जो हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे गर्म जल धारा बहती है। अब आपको पता है कि जो पानी का फ्लो होता है वो बेसिकली यहाँ पे हमें पता है कि अच्छे से कि इससे ही डायरेक्शन होता है। मतलब हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे वेस्ट कोस्ट है जो हम ऑस्ट्रेलिया के उस कोस्ट की तरफ, सॉरी जो यहाँ पे साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है वहां से ठंडा गर्म है वो फ्लो करता है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये होता है नॉर्मल साइकिल डेज में, मतलब पानी है वो इस तरीके से फ्लो है वो करता है नॉर्मल एरियाज में। और इसके साथ ही आपको पता है कि यहाँ पे जाती है हमारी इक्वेटर, जिसे हम 0 डिग्री रेखा है वो बोलते हैं। इक्वेटर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल विंड है वो बेसिकली फ्लो करता है इस साइड। ये हमने देखो पहले तक पढ़ा है और ये नॉर्मल ईयर में होता है। अब होता क्या है कई बार कि जो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है जिसपे पेरू करंट या चिली करंट फ्लो करता है जो कि ठंडा होता है, ये क्या है गर्म हो जाता है। किसकी कंपैरिजन में? ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न कोस्ट पे करंट है उसकी कंपैरिजन में। मतलब क्या हुआ इस कंडीशन में, जिसका हो जाएगा एलिनो की कंडीशन में, कि ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, यहाँ पे तो हो जाएगी ठंडी जलधारा और यहाँ पे हो जाएगी गर्म जलधारा। अब आप खुद देखिए कि पानी का फ्लो कैसे होगा, या जो फ्लो है हवा का वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा। पानी का जो हो और हवा का जो फ्लो है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन, गर्म से ठंडे से गर्म की ओर। तो मतलब इस बार साइकिल वो कुछ चेंज हो गया, ऐसे आपको समझ में आ गया कि इस बार साइकिल वो चेंज हो जाएगा। और इसके साथ ही जो हम बात करें यहाँ पे विंड्स हैं, जिसकी हम बात करें कि इक्वेटोरियल विंड है वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, और गर्म करंट है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट से अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो हिस्सा है उसके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ फ्लो है वो करने लग जाता है। तो अब आप देखिए, एक बार आप सोचिए कि बारिश होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बारिश होने के लिए गर्म जल धारा की जरूरत होती है और एक तरीके से ह्यूमिडिटी की भी जरूरत है वो होती है। अब आप यहाँ पे देखिए एलिनो की कंडीशन में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है इस पर तो बारिश होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ठंडी जल धारा होगी है। आप जानते हो कि ठंडी जल धारा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश थोड़ी होगी। तो इसका मतलब बारिश होगी कहाँ पे इस बार एलिनो की कंडीशन में? वो होगी साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे। तो इस कंडीशन में काफ़ी इफेक्ट है वो पड़ता है और पूरी जलवायु है, क्लाइमेट है, वो चेंज हो जाता है। तो उसका इफेक्ट सामने को देखने को हमें को मिलता है। अब एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि एलिनो की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे या इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है वो पड़ता है। तो जैसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली क्लाइमेट साइकिल है जो होता क्या है कि हायर एयर प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पर ठंडी जल धारा होगी। तो मतलब कोल्ड वाटर है, इसके ऊपर क्या होगी, हाई एयर प्रेशर होगा। और इसी के साथ ही पैसिफिक की यहाँ पे बात दी गई कि वेस्टर्न पैसिफिक का मतलब होगा ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट, इस वाले हिस्से में क्या होगा, लो एयर प्रेशर बन जाएगा। तो हवा का फ्लो नॉर्मली होता है इस कंडीशन में। और होगा क्या, अगर इसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिलेगा तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एलिनो का इफेक्ट है वो क्या होता है। देखो, एलिनो की वजह से जो ईस्टर्न हिस्सा हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, उस पर बारिश नहीं होती है। तो ये ध्यान रखने, इसके साथ ही अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ, साउथ ईस्ट एशिया हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ, इसके साथ ही कुछ छोटे पैसिफिक आइलैंड है वहाँ पे तो सूखा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो ठंडी जलधारा हो जाती है, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। इसके साथ ही दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि जो पेरू और जो चिली और जो इक्वाडोर है, इस वाले एरिया में भारी बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्म जलधारा होती है, तो इसलिए वहाँ पे बारिश वो अच्छे से होने लग जाती है। तो यूपीएससी एक तो यहाँ पे हमें 3-4 स्टेटमेंट के थ्रू कन्फ्यूज़ कर सकती है कि एलिनो की वजह से अफ्रीका के कोस्ट और इंडिया है वहाँ पे भारी बारिश होती है, तो ऐसा नहीं होता है। एलिनो की वजह से बारिश कम होती है हमारे यहाँ पे। ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है एलिनो की वजह से? वो होती है पेरू, चिली और इक्वाडोर वाले रीजन में। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है प्राइवेट मेंबर बिल को लेके। तो क्या है प्राइवेट मेंबर बिल, वो हम देख लेते हैं। देखो, पहली चीज़ ये ध्यान रखने की प्राइवेट मेंबर बिल होता है क्या है। कंटेक्स्ट तो बेसिकली कुछ ही अभी इस प्रकार आया है कि कर्नाटका में बीजेपी की जो एमपी हैं उन्होंने भी कहा है कि वो बेसिकली जो विंटर सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का, इसमें अयोध्या के राम मंदिर को लेके पर जो एक तरह से प्राइवेट मेंबर बिल है वो लेके आएंगे। तो हम ये जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल वो होता क्या है। देखो, कोई भी एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं हो, उसके द्वारा जो भी बिल लाया जाता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी एमपी, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो,
बट वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, अगर वो कोई बिल लेके आ रहा है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी मिनिस्टर मतलब कोई भी मंत्री अगर बिल लेके आ रहा है तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट बिल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है वो बेसिकली होता है। देखो बेसिकली स्टार्टिंग हम बात करें कि जो प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट मेंबर बिल है इनमें डिफरेंस किस लिए स्टार्ट हुआ, कई बार क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको कोई लोकल मुद्दे कोई ऐसा इश्यू है जो कि उनकी नज़र में नहीं है तो उस पर ध्यान फोकस करवाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाता है किसी MP के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट का ध्यान उस मुद्दे पर फोकस किया जा सके कि भाई देखो ये भी मुद्दा है, इस पर भी हमें लॉ या कानून बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब भी सेशन में डिबेट चल रही होती है तो उसमें प्राइवेट मेंबर बिल को निरस्त करके वापस से जो गवर्नमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट खुद उस बिल को इंट्रोड्यूस है वो कर सके। तो यह चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही एक छोटा फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल है या नहीं, इस चीज़ के बारे में डिसाइड करने का काम है वो किसके द्वारा होता है। तो देखो अगर लोकसभा है तो वहाँ पे ये काम स्पीकर का होगा, अगर राज्यसभा है तो वहाँ पे राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा ये काम है वो किया जाएगा। और जब भी जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के पटल पे उसके लिए अहम बात है कि एटलीस्ट 1 महीने का कम से कम नोटिस पीरियड होना चाहिए, मतलब 1 महीने पहले या तो स्पीकर को या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को नोटिस देना होता है, इसके बाद ही आप उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस है वो कर सकते हो। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 2018-19 के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO उसने अभी ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 2018-19 पब्लिश की है, और इस रिपोर्ट के डाटा हैं वो थोड़े इंडिया के लिए बड़े आश्चर्यजनक या चौंकाने वाले हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की इसमें ग्रोथ रेट या इंडिया के लिए नेगेटिव पॉइंट है, हम बोल सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में ये आया है कि भाई हमारे देश में जेंडर इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है, हम बात करें लेबर वेजेस के मामले में देखें तो। एवन एवरेज ये बताया गया है कि एक महिला को एक मेल की पर्सन की तुलना में 34% कम सैलरी है या कम वेजेस हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट में सामने आया है कि एक तरह से काफ़ी अनइक्वलिटी है वो हमारे देश में हो रही है। अगर बात करें हम होरली वेजेस मतलब पर घंटे की वेजेस की बात करें तो उस मामले में भी इंडिया की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके साथ ही इसमें बात की गई है एडवांस इकोनॉमीज यानी कि G20 कंट्रीज़ की, तो G20 कंट्रीज़ हैं उनमें रियल वेजेस ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन हुई है 0.9% है। 2014 में बात हम करें तो 0.4% हुई थी और 2017 में 2016 में होती 0.4 और 2017 में 0.9। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है मेन और वुमेन में। तो देखो बेसिकली हमें प्रीलिम्स के नज़रिए से तो इम्पोर्टेंट एक तो ये है कि ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, WHO, WTO या ILO, तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। देखो बेसिकली आप ये बताइए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो बनाया कब गया था, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ILO का निर्माण है वो कब किया गया था, और ये बताइए कि UN का पार्ट है या नहीं है, INO UN का पार्ट है या नहीं है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है सौभाग्य स्कीम को लेके। देखो सौभाग्य स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। बेसिकली जब दीनदयाल उपाध्याय का 25वां बर्थडे था उस मौके पे स्कीम को लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम का मेन मोटो ये था कि हमारे देश में वो घर जिनको इलेक्ट्रिफिकेट या आप बोल सकते हो कि जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया मतलब जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची है वहाँ पे बिजली पहुँचाई जा सके। मतलब साफ साफ क्या है कि रूरल एरिया में या फिर लास्ट माइल एरियाज में एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है उसको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए सौभाग्य स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम का टारगेट ये रखा गया है कि 2019 का जो मार्च है उस तक हमारे देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट है वो हो जाएगा, मतलब हर घर तक बिजली है वो पहुंचा दी जाएगी। और हम बात करें कि यह स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम काफ़ी कम ही है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की भी स्कीम गिनी चुनी होती है, तो इनकी स्कीम पर थोड़ा मेरा फोकस है वो रहना चाहिए। अब देखो सौभाग्य स्कीम में होगा क्या, सौभाग्य स्कीम में गवर्नमेंट क्या है कि सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इक्विपमेंट पे, जैसे कि ट्रांसफार्मर हुआ या फिर वायर वगैरह लेना हो या फिर मीटर वगैरह लगाना है, इन सब के लिए सब्सिडी देती है ताकि लोग हैं वो एक तरीके से जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी चार्ज खर्च हैं उसको उनके ऊपर बर्डन ना बढ़े और वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज है वो कर सकें। तो यह ध्यान में रखना है कि इस स्कीम में एक तरीके से सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। UPSC पूछ सकती है कि इसमें एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाते हैं या फिर इसमें एक तरीके से सब्सिडी है वो इस फॉर्म में दी जा रही है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि सौभाग्य स्कीम है वो ओनली रूरल एरिया के लिए नहीं है, रूरल प्लस अर्बन दोनों एरिया में लास्ट माइल एरिया में लाइट की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक्स का फोकस है
वो क्या गए, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रतियोगिता भी स्टार्ट की थी, सौभाग्य प्रतियोगिता को लगे। उसका मेन फोकस ये था कि वो स्टेट जिन्होंने स्टार्टिंग स्टेट या डिस्कॉम दोनों की बात की गई है कि जो सबसे पहले एक तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करेंगे 100%, उनको लगभग 300 करोड़ की जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पुरस्कार है, अवार्ड है, वो देखिए उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया के टोटल 15 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सौभाग्य स्कीम को सक्सेसफुल ढंग से लॉन्च मतलब अप्लाई किया है और वहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है बायलेटरल कोकण एक्साइज के बारे में। देखो तो कोकण तट है कहाँ पे, आप ये देखिए कोकण तट है बेसिकली वो है गोवा वाले रीजन में, तो ये ध्यान में रखना है कोकण है वो गोवा वाले तट पे है और अभी बायोलेटर एक्साइज है वो वहां पे की जा रही है। किस किस के बीच में है और कौन से एक्साइज है, ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली इंडिया और यूके के बीच में मतलब इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये एक नेवल एक्साइज है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कोकण एक्साइज है वो एक नेवल एक्साइज है और इंडिया और यूके के बीच में होती है। इसके बाद में एक एक्साइज और है जिसका नाम है कोप इंडिया एक्साइज, तो कोप इंडिया एक्साइज है वो भी एक बायलेटरल एक्साइज है इंडिया की एयरफोर्स और यूएस की एयरफोर्स के बीच में। तो इसका जो 2019 का एडिशन है वो वेस्ट बंगाल में आयोजित है, वो किया जाना है, तो उसको लेके न्यूज है वो आई है। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आया है वह है हेली क्लिनिक के बारे में, यानी कि हेलीकॉप्टर क्लिनिक्स की बात यहाँ पे की गई है। देखो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अनुमति दे दी है, अब हेली क्लिनिक की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो हम बात करें हमारे देश के डिफिकल्ट जो टेरेन एरिया वाले रीजन है जैसे कि अंडमान निकोबार को आप काउंट कर सकते हो, इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, इन एरियाज में क्या है कि पहाड़ी एरिया है काफ़ी और वहाँ पे डॉक्टर्स की कनेक्टिविटी या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कराना काफ़ी एक तरीके से चुनौती भरा टास्क है वो होता है। तो वहाँ पे हेली क्लिनिक सर्विस है वो लाई गई है ताकि जहाँ पे भी अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी जरूरत होगी डॉक्टर्स की जरूरत है तो हेलीकॉप्टर की हेल्प से डॉक्टर्स को अवेलेबल है दवाइयाँ मेडिसिन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो रिमोट एरियाज में डॉक्टर्स की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए हेली क्लिनिक या हेलीकॉप्टर सर्विस है वो स्टार्ट की गई है ताकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर है वो लोगों को दिया जा सके जहाँ पे काफ़ी दुर्गम एरिया या जहाँ पे पहुँच वो आसानी से नहीं हो पाती है। इसके साथ ही देखो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट ने आपको बताया कि इस बार के बजट में आयुष्मान भारत स्कीम है वो लॉन्च की थी। आयुष्मान भारत है वो हमारे देश की एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है जिसमें क्या होता है कि हमारे देश की 10 करोड़ फैमिलीज को लगभग 5 लाख रुपीस का एक बीमा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। कौन से सेक्टर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब उनको सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनकी सर्जरी हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा है वो करवाया गया है। अगर हम बात करें एओन या रेरेज एक फैमिली में 5 मेंबर हैं तो टोटल लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए स्कीम है वो लॉन्च की गई है और उसी के तहत ही हेली क्लिनिक सर्विस है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट है वो की गई है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आपको पता है कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन करने की बात थी, वो भी बेसिकली डिफिकल्ट एरिया में हेली क्लिनिक की हेल्प से ही ओपन है वो की जा रही है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमने एलिनो के बारे में जाना, देखो जो एलिनो की कंडीशन वो हमने देखा कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न हिस्सा है यानी कि हम बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है वो यहाँ पे गर्म जलधारा की तरफ फ्लो होने लग जाता है और जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है या फिर हम बात करें पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न हिस्सा है वो यहाँ पे ठंडा हो जाता है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो जाता है और बारिश है वो इनरेगुलर हो जाती है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस कंडीशन को एलिनो बोलते हैं और जो नॉर्मल कंडीशन होती है इसको हम लालिनो के नाम से जानते हैं, तो ये भी चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ हमने एलिनो के इफेक्ट देखे कि इंडिया की क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है कि बारिश इंडिया में कम होती है, सूखा आता है। इसके साथ हमने प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जाना, इसी के साथ हमने ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट 2018-19 के बारे में डिस्कस किया और सौभाग्य स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के बारे में डिस्कस किया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है वो हो जाती है। इसके साथ हमने कोकण एक्साइज जो कि इंडिया और यूके के बीच में एक नेवल एक्साइज है और कोप इंडिया एक्साइज जो कि इंडिया की एयरफोर्स और यूएसए की एयरफोर्स के बीच की एक्साइज है उसके बारे में डिस्कस किया और लास्ट में हमने हेली क्लिनिक सर्विस के बारे में जाना। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।